Hello my dear students and my dear friends, welcome back once again. Today we are going to start the iceberg principle. जी हाँ, आज हम बात करेंगे the iceberg principle. This topic is most important for the safety manager, safety advisor, safety auditor and investigator. So listen carefully and learn it. So let's start. The iceberg principle आखिर क्या होता है? वाई आइसबर्ग प्रिंसिपल, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी या क्यों इसकी ज़रूरत है? वर्कप्लेस इंसिडेंट, ज़रा इस एक बार अगर सोचें हम, वर्कप्लेस इंसिडेंट एंड वर्कप्लेस एक्सीडेंट, इंजुरीज कास्ट एंड लॉस्ट प्रोडक्टिविटी. तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं एक मतलब जो चीज़ सामने इसका व्यू आता है वो बहुत ही अच्छा नहीं. कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इंजरी, कोई भी लॉस जो हो रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, वो अनएक्सपेक्टेबल है. तो अब इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं वास्तव में ये आइसबर्ग क्या है. मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा कि इसके वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ और हर साल बिलियंस डॉलर इन्वेस्ट हो जाते हैं जो लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं हर साल. अब हम देख लेते हैं द आइसबर्ग प्रिंसिपल है क्या. आइसबर्ग, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आइसबर्ग कुछ ऐसा मालूम पड़ रहा है कि भाई बर्फ है या कुछ है, लेकिन इसके साथ क्या मतलब है इसका. चलिए आइसबर्ग को पहले हम जान लेते हैं. एन आइसबर्ग इज अ लार्ज पीस ऑफ फ्रेश वाटर आइस दैट हैज ब्रोकन ऑफ ए ग्लेशियर. एन आइस सेल्फ and floating freely in opens, especially include the salt water, small beads of disintegrating iceberg are called growlers and bargy beads. इसका दूसरा नाम भी आइसबर्ग को आप जो है ग्रोलर्स भी बोल सकते हैं, bargy beads भी बोल सकते हैं, यानी इसके दो नाम और भी हैं. अब एक चीज और अब जरा यहाँ पे हम देख लें कि आप देखिए क्या कह रहा है. एन आइसबर्ग इज अ लार्ज पीस ऑफ फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर में जरा इस इमेज को आप देखिए और इस इमेज में देखिए कि ये छोटा सा ये पीस जो है इसका आइस का ये बाहर आपको दिखाई दे रहा है. जी हाँ, ये बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके नीचे एक बहुत बड़ा एक लार्ज पीस यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, अंडर वाटर ये क्या है, वाटर के ऊपर है. और अंडर वाटर हम देखें तो एक लार्ज पीस जो है अंडर वाटर में दिखाई दे रहा है. इसके बगल में एक इमेज जरा देखिए कि ये हमें आइस दिखाई दे रहा है इतना, यानी चलो देखने वालों ने सोचा यार थोड़ा सा तो है, क्या बात है, हम इसको निकाल लेंगे, काट के चलेंगे, इसको मेल्ट कर देंगे और फिर रास्ता हमारा क्लियर है. लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि जितना हमें ऊपर दिखाई दे रहा है उससे कई गुना नीचे भी वह एक तरह का वो वॉल बनकर के, एक दीवार बनकर खड़ा हो जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. जी हाँ, जब ये नुकसान होगा, अगर सपोज करिए कि ये शिप जा रही है और इससे अगर टकराती है तो हमने तो ऊपर ही कोशिश किया इसको मेल्ट करने के लिए, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली और नतीजा ये हुआ कि हम इससे टकरा गए और टकराने के बाद हमारी जो स्थिति होगी शायद बहुत ही हॉरिबल होगी, बहुत ही भयानक होगी. तो एक्सीडेंट वो चीज़ जो है तुरंत एक्सीडेंट में कन्वर्ट होता है. अब जरा इससे क्या क्या नुकसान हो जाता है, अब जरा एक नज़र अब मैं इसको देख लेता हूँ. अगर इस तरह की घटना घटी तो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत, कंपनसेशन पेमेंट की ज़रूरत, मेडिकल एक्सपेंसेस की ज़रूरत, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी की ज़रूरत, मैन पावर की ज़रूरत एंड लॉस्ट प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत. ये ऐसी चीज़ें हैं जो छह चीज़ें जो किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्रीज को तोड़ के रख देती है. अर्थात कंपनी कोई भी ये नहीं चाहती है, कोई भी इंडस्ट्रीज ये नहीं चाहती है कि हमारे यहाँ किसी तरह का एक्सीडेंट हो, किसी तरह का दुर्घटना हो, किसी तरह की कैजुअलिटी हो. अब देखिए आइसबर्ग से हम कैसे बचते हैं और ये एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए, एक सेफ्टी मैनेजर के लिए या ऐसे व्यक्ति को जो कंपनी और इंडस्ट्रीज को सेफ रखने का काम करता है, उसके जो प्रीमियम्स हैं, उसके जो खर्चे हैं उसको रिड्यूस करने का कार्य करता है, वह इस प्रिंसिपल से कैसे लाभ ले सकते हैं, इसके कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, उस पर हम एक नज़र चर्चा कर लेते हैं। एक्सीडेंट एंड डेथ जो आइसबर्ग के द्वारा हुआ, एक नज़र अगर हम इस पर दौड़ाएं तो हम बात करेंगे सन 1905 से लेकर के और सन 2007 तक। सन 1905 में ब्रॉस्टन नाम का एक शिप था जो आइसबर्ग यानी उस चट्टान से टकराया, आइस से टकराया और उसके सारे लोग मारे गए। डेथ कितनी हुई? सभी लोग मारे गए। 1905 में ही अल्बर्टस नाम का जो शिप था वो भी टकराया जिसमें 8 लोग मारे गए। और दुनिया में बहुत ही ज़्यादा जो मशहूर है और प्रसिद्ध है, आपने नाम सुना होगा, टाइटेनिक। सन 1912 में टाइटेनिक भी आइसबर्ग से टकराया था और वहाँ पर 1517 लोग मारे गए थे। 1923 में ली रेमोंड में हुआ था जिसमें 2 से अधिक लोग मरे थे, 2 का रिकॉर्ड, बाकी का नहीं। 1959 की बात करें तो हैंड्स हेड ऑफ जो है उसमें 95 लोगों की जानें चली गई थी। लेकिन जब आइसबर्ग की बात समझ में आने लगी, लोग समझने लगे इस चीज़ को, और जो इन्वेस्टिगेटर था वह ढूंढते ढूंढते पहुंचा कि व्हाट इज़ द मेन रूट कॉजेज ऑफ दीज एक्सीडेंट। सो उसने क्या फाउंड किया, उसने क्या पाया, तो उसने कुछ सिद्धांत को पाया जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ क्या चीज़ है। और उसकी वजह से क्या हुआ, जब वह अप्लाई किया गया तो सन 1977 में विलियम कॉर्सन नामक शिप जो है भी टकराया। लेकिन लोग पहले से सजग थे, पहले से सावधान थे और एक भी डेथ नहीं हुआ। सन 1991 की बात कर लें तो फिर फिन पोलारिस भी टकराया था लेकिन एक भी डेथ नहीं हुई। अभी हाल ही की बात मैं करूं, 2007 की बात करें तो एक्सप्लोरर नाम का शिप था, वो भी टकराया आइस से और उसमें भी किसी की जान नहीं गई, किसी की मृत्यु नहीं हुई। सो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि जब हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे तो हमारे साथ एक्सीडेंट जो हो रहा था उसमें क्या था, कई जगह सारे लोग मारे गए, कई जगह बहुत से लोग मारे गए, कई जगह कुछ लोग मारे गए। लेकिन जब से हमने इसको फॉलो किया, जब से इसको हमने इम्प्लीमेंट किया, तो ये डेथ की संख्या क्या हो गई? नन हो गई। दैट इज गुड प्रैक्टिस ऑफ द हेल्थ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आइसबर्ग। अब देख लेते हैं ये क्या है, यूज ऑफ आइसबर्ग प्रिंसिपल फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी। ये हम दोनों को दो डिपार्टमेंट को, हेल्थ सेफ्टी एंड फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को, या कोई भी चीज़ कहीं भी अप्लाई आप इस चीज़ को करिए। अगर हम 5 चीज़ों से ये हमें बचाता है। पहला जो विजुअल हैजर्ड्स है, विजुअल हैजर्ड यानी जो वाटर के ऊपर दिखाई दे रहा है, नॉन विजुअल हैजर्ड्स जो वाटर के नीचे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ वेरी डेंजरस। एंड रिस्क, उसके बाद रिस्क क्या है? रिस्क तो जो है तुरंत एक्सीडेंट में कन्वर्ट हुआ, एक्सीडेंट के बाद से तुरंत डेथ में कन्वर्ट हो जा रहा है। रिस्क कंट्रोल कैसे करेंगे और रिव्यू, ये 5 बातों पर अगर हम कंसीडर करें तो निश्चित रूप से हम इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। यहाँ बहरहाल आइसबर्ग हमें यह इंडिकेट करता है कि जो चीज़ जैसे दिखाई दे रही है वैसे बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा भी और भी सारी चीज़ें हैं, यदि आप उसे नज़रअंदाज करेंगे, इट मीन्स इस वे को नज़रअंदाज करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा ये आप बखूबी जान सकते हैं। अर्थात आपको 6 तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी पेनफुल फॉर एवरी एम्प्लॉयर, जो काफ़ी कष्टदायक होगा, काफ़ी तकलीफ देगा। वो क्या होगा? इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। ये ऐसी चीज़ें हैं, इंसिडेंट, फिर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, मेडिकल भी देना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट चीज़ें जो लॉस हो जाएंगी उनको भी करना पड़ेगा, मैन पावर को पुनः रिट्रेन करना, उनको रिक्रूट करना, फिर जो लॉस्ट प्रोडक्टिविटी है उनको रिकवर करना। तो ये सारी चीज़ एक तरह से कंपनी की, इंडस्ट्रीज की बैकबोन ही टूट जाती है। तो आइसबर्ग देखने में बहुत ही मामूली सा दिखाई देता है, लेकिन जब यह एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पर स्थिति जो बनती है वो बहुत ही भयानक होती है और बहुत ही कष्टकारी होती है। एक्सीडेंट और डेथ की बात मैंने किया। अब देखिए, अगर 5 चीज़ों पे अगर विजुअल हैजर्ड, नॉर्मली क्या करता है आदमी, जो हैजर्ड्स दिख रहा है उसी के बारे में सोचता है, और यही सेफ्टी ऑफिसर से गलती होती है, सेफ्टी मैनेजर से गलती होती है कि जो दिखाई दे रहा है उसी पे वो बात करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये आइसबर्ग, चलो हमको कौन सा शिप चलाना है, हमको कौन सा पानी में जाना है। नहीं, ये एक जो है हमें क्या कर रहा है, हमें आगाह करने का काम कर रहा है। सपोज करिए कि अचानक जो है आपकी इंडस्ट्रीज में फोर्कलिफ्ट चल रहा है, तमाम तरह के एक्सकेवेशन के वर्क हो रहे हैं, मशीनरी चल रही है, और उससे कैजुअलिटी हो गई, किसी की कैजुअलिटी हो गई, किसी की डेथ हो गई, वर्क हाइट से किसी की डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं से वो डेथ हो गई। तो क्यों डेथ हुई, कारण क्या था कि वहां पे हमने कहीं ना कहीं किसी चीज को नजरअंदाज किया था। अगर फोर्कलिफ्ट चल रहा है तो वो तो ऑटोमोबाइल्स है, गाड़ियां हैं, वो अपना काम कर रहा है। अगर हो गया तो विजिबल हैजर्ड्स जो हमें दिखाई दिया उस पर हमने वर्क किया था, हमने कभी भी कंसीडर नहीं किया नॉन विजुअल हैजर्ड्स के बारे में। ये दैट इज द बहुत बड़ी फॉल्ट है, ये बहुत बड़ी फॉल्ट है। और जो भी ऑफिसर्स इस विजुअल हैजर्ड्स के बारे में सोचता है, अब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम किस तरीके से सोचें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जहां आप काम कर रहे हो आप कैसे हिडन चीज़ों के बारे में आप सोचते हो, उन हैजर्ड्स के बारे में सोचते हो जो दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन अवेलेबल है। ये हमें सीख मिलती है कहाँ से, आइसबर्ग से। यानी जो अंडर वाटर जो चट्टान है, जो बहुत बड़ा आइसबर्ग है, वो क्या है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उसके साथ हम टकराएंगे, जब हमारा इंट्रैक्शन होगा उससे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आप समझ सकते हैं, वो काफ़ी हॉरिबल होगा, बहुत ही भयानक होगा। तो अगर हम 5 चीज़ों पे कंसीडर करें तो निश्चित रूप से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपने इंडस्ट्रीज को बचा सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, और फिर अन्य लोगों को भी बचा सकते हैं। तो आइसबर्ग प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है उन सभी बातों को जानने के लिए जो जिस पर कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है, कभी हम उसे सोचते नहीं हैं। अगर हम उस चीज़ को पहले से सोच लें, पहले से जान लें, तो हम निश्चित रूप से उस पर बहुत हद तक नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा 2007 में जो एक्सीडेंट हुआ शिप का, उसमें एक लोग भी मारे नहीं गए थे। कारण क्या था, आइसबर्ग के प्रिंसिपल से हमने क्या लिया, लर्न किया, हमने सीखा और उस चीज़ को अप्लाई किया, और जैसे ही हमने अप्लाई किया तो हम पहले से तैयार थे, और नतीजा क्या मिला, काफ़ी अच्छा नतीजा मिला कि हम जो है किसी भी बुरी घटना के शिकार नहीं हुए। सो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप इस एनालिसिस को आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में कोशिश किया है आपको समझाने की, क्योंकि अगर बहुत और भी इसे मैं ब्रीफली और एलाबरेट करता जाऊँ तो काफ़ी वक्त भी लगता जाएगा और शायद फिर वीडियो भी आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप भी सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं या सेफ्टी ऑफिसर हैं, एडवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, तो आप बने रहिए। और अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आप सेफ्टी फील्ड में जाने के लिए, तो आप बेस्ट ट्रेनिंग के लिए SST सेफ्टी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और ब्रांच विजिट करके जानकारियाँ ले सकते हैं और एडमिशन कराकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपसे